हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व का एक से ज़्यादा रूप में उपस्थित होना हमारे पृथ्वी के सतह पे कहलाता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट। तो सल्फर जो है सो हमारे पृथ्वी के सतह पर तीन रूप में विद्यमान रहता है, जिसका नाम है रोम्बिक और अल्फा सल्फर पहला रूप का, दूसरा है मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, और तीसरा है प्लास्टिक और गामा सल्फर। यह जो तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है इनके कुछ गुणों के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसका प्रॉपर्टी को। पहला है कलर, किस तरह का रंग होता है। रोम्बिक सल्फर जो है पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला। मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर जो है एम्बर एलो का होता है, एम्बर एलो कहने का मतलब लाइट एलो। उसी तरह से है प्लास्टिक और गामा सल्फर, यह भी जो है सो एम्बर एलो कलर का होता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो है सो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशीलता तीनों एलोट्रोप्स का। तो रोम्बिक और अल्फा सल्फर सोल्यूबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर भी सोल्यूबल होता है, लेकिन प्लास्टिक और गामा सल्फर जो है सो इनसोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड। तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी, अस्थिरता, कौन ज़्यादा जो है स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, क्या उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, रख सकते हैं तो किस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जा सकता है। तो रोम्बिक सल्फर को जो है 96 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है सो स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वह उस टेम्परेचर में स्टेबल होगा, स्थिर होगा। उसी तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर 96 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर में रखा जाए तो उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। और जो प्लास्टिक सल्फर है वह बहुत ही अनस्टेबल होता है, उसको जो है स्टोर करके रखना बहुत बहुत ही कठिन होगा। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है, या तो इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व। तो देखते हैं इसका क्या है विशिष्ट घनत्व ग्रेविटी को लेकर, गुरुत्व को लेकर। तो रोम्बिक सल्फर का है 2.06, ऐसा यूनिट लगाओगे तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का। मोनोक्लिनिक सल्फर का 1.98, जबकि प्लास्टिक का जो स्पेसिफिक डेंसिटी या ग्रेविटी है 1.95। स्ट्रक्चर का बात करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो संरचना, पहला रोम्बिक सल्फर का जो होता है पुकट रिंग स्ट्रक्चर, और सल्फर जो है हमेशा एट फॉर्म में रहता है, एसिड, जिसको ऑक्टाएटोमिक भी कहा जाता है। उसी तरह से मोनोक्लिनिक भी जो है सो पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर का होता है, जबकि प्लास्टिक जो सल्फर होता है रेंडमली अरेंज्ड होता है, कोई भी उसका पुकर्ड रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक चेन जैसा रेंडमली अरेंज्ड होता है। अब पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सो देखते हैं, क्योंकि पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कुछ इस तरह से देख रहे होंगे, डब्ल्यू शेप जैसा दिख रहा है, और टोटल सर्फल का संख्या काउंट करोगे तो एट ही आएगा, तो इसको कहते हैं पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। यह था आपका एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। अब हम लोग को पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, केमिकल फॉर्मूला SO2। इसका प्रिपरेशन देखना है, देखते हैं इसका प्रिपरेशन किन किन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में किस प्रक्रिया का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइट Na2SO3 को सोडियम सल्फाइट बोलते हैं, जबकि Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। एक ऑक्सीजन का अंतर है, SO3 तो सल्फाइट, SO4 तो सल्फेट। तो जब सोडियम सल्फाइट को 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि Na और Cl मिल के बना लेता है सोडियम क्लोराइड, जबकि SO3 में से SO2 बाहर निकल जाता है और एक ऑक्सीजन जो बचा और इसका जो दो हाइड्रोजन बचा बन जाता है H2O। बनाना क्या था, SO2, SO2 का निर्माण तो हो गया। उसी तरह से लेबोरेटरी में दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है कि जब सोडियम सल्फाइट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसी तरह से अभिक्रिया होता है कि Na और SO4 मिल के बन जाता है सोडियम सल्फेट, और SO3 में से SO2 बाहर निकलता है और एक ऑक्सीजन जो यहाँ का बचा और इसका दो हाइड्रोजन मिलकर बना लेता है वाटर। तीसरा जो प्रक्रिया है इसमें कि जब कॉपर को 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवा जाता है तो कॉपर और सल्फेट बना लेता है कॉपर सल्फेट, जबकि इसी में सल्फेट जो 2 मोल था उसमें से 1 मोल कन्वर्ट हो जाता है SO2 और
दो हाइड्रोजन बचा था और इसका ऑक्सीजन मिलकर बना लेता है H2O। तो यह था आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ SO2। दूसरा प्रिपरेशन है कॉमर्शियल प्रिपरेशन, व्यावसायिक रूप में किस तरह से इसको निर्माण किया जाता है। तो व्यावसायिक रूप में से डायरेक्ट इसका जो है सो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है, या तो आयरन के सल्फाइड, फेरस सल्फाइड इसको बोलते हैं। तो फेरस सल्फाइड को जब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन जो है सो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर जो है सो सल्फर का डाइऑक्साइड बना लेता है, और बैलेंस करने के लिए इंटू किया गया है कुछ कोफिशियंट के साथ। उसी तरह से जब 4 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड को 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है 2 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड प्लस 8 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह था दोनों लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कॉमर्शियल प्रिपरेशन, किसके लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। पहला है इट इज ए कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, यह जो है सो रंगहीन गैस है जिसका स्मेल तीक्ष्ण होता है। दूसरा है इट बॉयल्स एट 263 केल्विन, यह जो है सो उबलता है 263 केल्विन टेम्परेचर पर। तीसरा इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यह जो है सो पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। पहला है एसिडिक नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है तो बेस के साथ अभिक्रिया करेगा, और बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट का निर्माण होता है। तो इट रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड बेस के साथ अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है। जैसे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है SO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। पुनः जब इसी सोडियम सल्फाइड और वाटर जो निर्माण हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, उसको पुनः जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो यह निर्माण करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको सोडियम बाई सल्फाइड भी कहते हैं। उसी तरह से जब वाटर को सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाते हैं तो H2SO3 का निर्माण होता है। उसी तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यह सब रिएक्शन से साबित होता है कि SO2 जो है सो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि बेस के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी साल्ट का निर्माण कर रहा है। तीसरा है इसका केमिकल गुण, सेकेंड है रिएक्शन विथ क्लोरीन, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो यह निर्माण करता है सल्फ्यूरल क्लोराइड का, SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। थर्ड है रिएक्शन विथ ओजोन ना होकर यहाँ पर होगा आपका डाइऑक्सीजन O2 होगा, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है और इसमें कैटलिस्ट भी प्रयोग होता है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या काम है कि रिएक्शन के दर को बढ़ाना, रिएक्शन जितना स्पीड से हो रहा था उस स्पीड को बढ़ाए ताकि प्रोडक्ट का जल्दी निर्माण हो। तो जब 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह दोनों ऑक्सीजन दोनों सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल। इसके पास कुछ रिड्यूसिंग बिहेवियर भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है मतलब दूसरों को यह रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वैसा एजेंट जो हाइड्रोजन लिबरेट करे और दूसरे को रिड्यूस करे। तो देखते हैं क्या यह हाइड्रोजन लिबरेट करता है कि नहीं करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कि नमी के उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, नमी यानी वाटर H2O, बिकॉज क्योंकि इट लिबरेट्स नेसेंट हाइड्रोजन एटम, नेसेंट यानी सिंगल हाइड्रोजन एटम लिबरेट करता है जब मॉइस्चर के उपस्थिति में मौजूद रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अभिक्रिया के साथ कि किस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट करता है सल्फर डाइऑक्साइड और H2O यहाँ पर क्या है, नमी है, मॉइस्चर है, तो जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, SO2 और ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और 2 हाइड्रोजन लिबरेट किया जो कि नेसेंट हाइड्रोजन है क्योंकि सिंगल सिंगल हाइड्रोजन एटम। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड पुनः वाटर के साथ यानी नमी के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यह दोनों रिएक्शन को हम लोग देखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड,
तो दोनों को अगर दिखेंगे तो राइट हैंड साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड और लेफ्ट हैंड साइड से SO3 कट जाएगा। तो दोनों रिएक्शन को मिला दो, SO2 एक एच टू एक एच टू टू एच टू क्या बना था H2SO4, कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, टू नेसेंट हाइड्रोजन। तो यह है आपका अभिक्रिया कि जब सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है वाटर के साथ तो यह बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और लिबरेट करता है दो ठो नेसेंट हाइड्रोजन, और इसी के वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। इट रिड्यूसेस, यह रिड्यूस करता है KMnO4 पोटासियम पर मैंगनेट जो कि पिंक कलर का होता है। इट रिड्यूसेस KMnO4 इंटू MnSO4 मैंगनीज सल्फेट में इसको रिड्यूस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। हेंस इस तरह से पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 को कन्वर्ट कर देता है MnSO4 में, जिसके कारण KMnO4 का कलर जो है सो डिसअपियर हो जाता है, विच एक्ट एज द टेस्ट ऑफ SO2। और यह अभिक्रिया जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड के डिटेक्ट के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अभिक्रिया देखते हैं किस तरह से हुआ होगा। जब KMnO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है तो यह निर्माण करता है K2SO4 MnSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2SO4। KMnO4 किस रूप में रिड्यूस हो गया, MnSO4 के रूप में जो कहा गया था, और KMnO4 का जो कलर पिंक था वह डिसअपियर हो जाता है इस रिएक्शन के बाद। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो टेस्ट ऑफ SO2। इस रिएक्शन को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि KMnO4 पहले पिंक कलर के था, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड मिलाए तो वह पिंक कलर गायब हो गया, तो जिससे पता चलता है कि SO2 जो है सो KMnO4 को रिड्यूस कर दिया, यानी SO2 मौजूद है। उसी तरह से सिमिलरली जब पोटासियम डाइक्रोमेट को भी अभिक्रिया करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से तो K2Cr2O7 को रिड्यूस कर देता है Cr2SO4³, क्रोमिक सल्फेट बोलते हैं इसको, इसमें रिड्यूस कर देता है। और इस अभिक्रिया से भी पता चलता है कि SO2 सॉल्यूशन में मौजूद है। क्या निर्माण करता है, तो पोटासियम सल्फेट और Cr2 के लिए Cr2SO4³ और H2O। उसी तरह से और एक अभिक्रिया जिससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe2SO4³, फेरिक सल्फेट इसको कहते हैं, कि फेरिक सल्फेट को भी जब मिलाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और H2O के साथ तो यह निर्माण करता है फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट Fe SO4, जबकि फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का अंतर है। तो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है जब SO2 को अभिक्रिया करवाया जाता है फेरिक सल्फेट के साथ, यानी कि फेरिक सल्फेट को रिड्यूस कर दे रहा है किसमें, फेरस सल्फेट में प्लस H2SO4 में। तो इससे पता चलता है कि SO2 जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर पता करना हो तो एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे अगर वह बिहेव किया तो इजीली से पता चल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन में मौजूद है। और एक है इसका ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन कि SO2 सोज ब्लीचिंग एक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एक्शन की तरह बिहेव करता है। किस तरह से बिहेव करता है तो देखते हैं, तो रिड्यूसिंग नेचर के कारण, रिड्यूसिंग नेचर क्यों था, क्योंकि यह नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट हाइड्रोजन क्यों देता है, क्योंकि मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया कर लेता है यह। तो देखते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया करता है तो H2SO4 और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है कि जब किसी कलर्ड मैटर में मिक्स करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को तो क्या करता है, इसके कलर को रिड्यूस करके बना देता है कलरलेस मैटर। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको ब्लीचिंग एक्शन की तरह बात करें तो अगर इसमें पानी में प्रयोग करें ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि पानी को साफ कर देता है। पानी को साफ करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो गंदगियाँ थी सब गंदगियों के साथ अभिक्रिया कर लिया, जो बैक्टीरिया वगैरह थे उसके साथ अभिक्रिया कर लिया और उसको रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि पानी साफ हो गया और सब बैक्टीरिया मर गया और सभी गंदगी के साथ अभिक्रिया करके निचले सतह पर जम गया। यह होता है उसका असली मीनिंग कि ब्लीचिंग पाउडर डाले तो पानी साफ हो गया। मतलब क्या हुआ, हुआ क्या कि सभी गंदगी को साथ अभिक्रिया करके सतह पर जमा दिया और बैक्टीरिया वगैरह से अभिक्रिया करके उसको मार दिया। यही है आपका ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यह था आपका सल्फर का कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स और सल्फर डाइऑक्साइड। इससे कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।